छोटी सी अपनी बात आप सबके सामने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को मेरा प्रणाम और इतनी सी बात कहना चाहूंगी। 2014 का एक काल था, 2019 का ये समय है। इस समय में पूरा देश, पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के आज एक युगांतकारी परिवर्तन की ओर, राजनीति शुचिता की ओर बढ़ने लगी है। हम सब महसूस कर रहे हैं, आदरणीय हमारी विधायिका जी ने पूरी विस्तार पूर्वक बात कह दी है, लेकिन उस आशाओं के साथ जब भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोगों ने विश्वास किया था, वो आशा आज आकांक्षा, तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे, उन बच्चियों की रक्षा हो सकेगी। माहौल तो ऐसा बन गया है कि अपराधियों में विश्वास है और आमजन में भी है। इसे खत्म करना होगा और आप सबके माध्यम से हमें इस भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। 25 की 25 सीटें हम प्रदेश में लेकर आने वाले हैं, लेकिन सच के साथ इस झूठ को खत्म करें। आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आप सब सच को आगे लाएं, इस झूठ को खत्म करें। जब तक तथ्य और प्रमाणों के सामने कोई बात नहीं आए, उसको ना ही प्रकाशित करें ना ही चलाएं, क्योंकि संपूर्णता में बल है, सत्य में बल है, असत्य परास्त होता है। ठीक है, इस बीच ये विचार आया कि आप लोगों से जब आ रहे हैं अजमेर तो मिलना हो जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए। चुनाव का माहौल है, आपसे सियासत बिल्कुल गरमाई हुई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जो बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस का चाल और चरित्र जो हम लोग के थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार आजम खान से अगर मैं शुरू करूं कि उत्तर प्रदेश के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आवाज़ उठती है, आधी आबादी को शर्मसार करती है, और राजस्थान में और कांग्रेस में महिलाओं को लेके उनकी क्या मानसिकता है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस महिलाओं को लेके क्या सोचती है। उससे भी ताज़ा घटना, आज मैं जब पेपर्स देख रही थी और न्यूज़ सुन रही थी, तो कांग्रेस हम लोग को कहने की केवल महिलाओं का विषय ही नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान किया है, तो एक भारतीय होने के नाते हम लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और महिलाओं को लेकर उनकी पार्टी की महिला प्रवक्ता और जो महागठबंधन के उनके सहयोगी आजम खान और जाने क्या कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो मैं आप लोग के सामने शेयर भी नहीं कर सकती, तो उसके बाद कुछ रह जाता है क्या? ये इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पद को इस तरह से अपमानित करेंगे, ये राजनीति का इससे गिरता हुआ स्तर हम लोग कभी नहीं देख सकते। और किसी का प्रश्न? देखिए, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा था कि चुनावी समर है, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज हम लोग अजमेर आना था, तो इच्छा थी कि आप लोग से मिलना जुलना हो जाए और बातचीत हो जाए। और जो स्थिति राजस्थान में इन 4 महीनों में बना है, उसको लेके आधी आबादी बहुत उद्वेलित है। हम गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, पिक्चर हॉल, घर, कहीं भी जाते हैं, वहाँ महिलाएं हमें सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। 2 महीने की बेटी से लेके 50 साल तक की महिलाएँ इस राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, और इस कांग्रेस की सरकार ने ढिंढोरा पीटा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और उस सुरक्षा की पोल खुल गई है। राजधानी से लेके गांव की ढाणी तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है। तो फिर हम सब से, केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, आम महिला के नाते ये सवाल राजस्थान में उठ रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब कुछ तो बोलिए, हमारी बहन बेटियों के लिए कुछ तो बोलिए, गृह मंत्रालय के मालिक भी वही हैं, एक्शन में आइए। हमने तो नाबालिग बच्चियों के बलात्कार पे इतना सख्त कानून बना के राजस्थान ने नज़ीर पेश किया था, और पहला राज्य बन गया था देश का जहां हम फांसी के फंदे तक ले गए थे। पर आपके यहां तो ना चालान पेश हो रहा है, ना FIR हो रहा है। आज ही आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश से झालावाड़ में एक व्यक्ति आया और उसके छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया गया, थाने थाने दर बदर हो रहा है, पर उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है। तो थाने की हालत, आपके सरकार की हालत, और पूरे प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, अनीता जी कह रही थी कि अजमेर में पानी नहीं आ रहा है, 5 दिन अजमेर में पानी नहीं आ रहा है, तो जनता तो पूछेगी
और ये सवाल लाजमी है कि हम लोग करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ आप लोगों से रूबरू हुई थी कि राजस्थान में वो वातावरण लौटाइए। 2013 में जब हम शासन में आए थे तो राजस्थान में महिला एट्रोसिटीज़ पे राजस्थान नंबर 2 पे था, और जब हमने बागडोर संभाली, हमारी मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाली, तो राजस्थान को अभी छोड़ते हुए हम लोगों ने नंबर 5 पे लाए थे, और आज राजस्थान उसी तेज गति से नीचे की ओर आके नंबर 2 पे पहुंचने वाला है। प्रति मिनट बलात्कार हो रहा है, प्रति सेकंड हत्या हो रही है, लूटपाट हो रहा है। इसके लिए उनसे जवाब मांगता है भारतीय जनता पार्टी, जवाब मांगती है पूरे राजस्थान की आधी आबादी, जवाब मांगती है। थैंक यू। पूरा दलित समाज से शर्मसार हुआ है, और कोली समाज के बारे में जो उन्होंने कहा है कि कोली समाज के होने के नाते से उनको राष्ट्रपति बनाया गया, इसका मतलब वो कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनमें योग्यता नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो ये कहना चाहते? लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए जब कोई बात कही जाती है तो कांग्रेस को बहुत बुरा लगता है, और लगना चाहिए उसको बुरा, क्योंकि उन्होंने कभी दलितों के लिए नहीं किया। दलितों की आवाज उठाने वाले सुमन जी ने महिलाओं की स्थिति के बारे में, प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको बताया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप और हम दोनों समाज के प्रमुख अंग हैं, और मीडिया के माध्यम तक से लोगों तक खबरें पहुँचती हैं, आम जन तक पहुँचती हैं। आप स्वयं मीडिया को संचालित करने वाले लोग हैं, इसलिए आपको ये हमसे भी ज़्यादा शायद आपको ये आभास होगा कि पिछले दिनों महिलाओं पर अत्याचार की जितनी अधिक घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो नाम मात्र की कार्रवाई है, और पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। जो अपराध का ग्राफ है वो निरंतर बढ़ रहा है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं इतनी बड़ी हैं कि अब कोई अपराधियों में खौफ नहीं बचा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, ऐसे अशोक गहलोत जी ने, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति जी पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है, और ये पूरे कोली समाज जो पूरा हिंदुस्तान भर में, उनको बहुत दुख हुआ है ये बात को सुन करके। दलित होने के नाते से उनको ये पद दिया गया है, ऐसी टिप्पणी उन्होंने की है जो बहुत ही गलत है, जो बहुत ही संवैधानिक पद का एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। अशोक गहलोत जी ये कहकर के क्या साबित करना चाहते हैं? जब बीजेपी कुछ अच्छा करती है तो कांग्रेस के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक किया नहीं है। कांग्रेस ने दलितों के लिए सिर्फ वोट मांगा है, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, और ये अशोक गहलोत जी की टिप्पणी ये साबित करती है। इसलिए अशोक गहलोत जी से पूरा दलित समाज इस्तीफा मांगता है। कोली समाज इस चुनाव में अशोक गहलोत की इस टिप्पणी का जवाब जरूर देने वाला है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब दलित समाज के बारे में कोई बात होने वाली है तो अशोक गहलोत जी से ये प्रश्न पूछने वाले हैं कि आपने जब भी इन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की थी तो क्या आपने दलित देख करके की थी? क्या योग्यता नहीं होती है? क्या दलितों में योग्यता नहीं होती है? क्या दलित इस लायक नहीं होते कि उन्हें इस देश का सर्वोच्च पद मिल सके? ये कहकर के उन्होंने क्या साबित किया है कि दलितों के बारे में उनके मन में जो हीन भावना होती है वो आज उन्होंने उजागर की है। हम सब इस बात की भर्त्सना करते हैं, और अम्बेडकर जी के विचारों को आगे पहुँचाने के लिए जो अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने किया है वो जन जन अब जान चुका है। इसलिए कांग्रेस इस भ्रम में ना रहे कि दलितों का वोट उनको मिलने वाला, अब दलितों का वोट उनको नहीं मिलने वाला है, और इस बात को लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश है।